हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। घंटा बजाओ तभी तो प्रसाद मिलेगा। हाय हैप्पी बड़ी, मैं रामजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्प ज्ञान मिक्सिंग। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि आप जैसे कोई भी सॉन्ग्स आप मिक्सिंग करते हैं, लो क्वालिटी का गाना चढ़ाते हैं, जैसे कि आपको 128/192 और 320 का सॉन्ग नहीं मिलता है उतनी क्वालिटी का, तो मजबूरन आपको 44, 48, 56, 57, 96 इतने क्वालिटी का आपको गाना लेकर के मिक्सिंग करना पड़ता है। ठीक है, जो कि इतनी क्वालिटी के आप गाना लेकर मिक्सिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट यही होता है कि उसका जब आप मिक्सिंग करते हैं तो वो या तो बैठने लगता है या तो वो साउंड ही उसका पूरा दब जाता है। ठीक है, जैसे आप मिक्सिंग करते हैं तो उसका जो वोकल जो आवाज़ होता है वो दब जाता है पूरा बिल्कुल तरह से। जैसे ही आप बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे जैसे आप हटाते जाएंगे वैसे वैसे वो बैठता जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम आपको बताएंगे कि क्या करेंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि पीसी का मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ कि थोड़ा समय नहीं मिल रहा है मैं पीसी स्टार्ट करूँ, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो कि पीसी स्टार्ट 10 मिनट में 10 मिनट स्टार्ट होने में 10 मिनट शट डाउन में होने में लग जाता है। तो मैं ज़रूर ही वीडियो बनाऊँगा उसका, जैसे ही मुझे फुर्सत मिलता है मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सॉन्ग को ऐड कर लीजिए और उसका BPM वीपीएम सेट करके बेस लाइन बार पर सब मैच कर लीजिए। ठीक है, तो आप उसके पहले आप इस गाने पे क्लिक कर लीजिए और जितना आपको बैकग्राउंड म्यूजिक रिमूव करना है उतना कर लीजिए। ठीक है, पूरा परफेक्टली। ठीक है, तो हमने तो पहले पैरामीटर इक्वलाइजर ऐड किया और उसके बाद ग्राफिक इक्वलाइजर ऐड करेंगे। ठीक है, जितना हो सके आप रिमूव कर लीजिए। अब पैरामीटर इक्वलाइजर एक ऐड ले लेंगे, 200 पर लो कट आउट कर देंगे और एक रिवर्ब ऐड कर लेंगे इस पर। ठीक है, रिवर्ब से क्या होता है कि सॉन्ग का जो गहरापन है वो मस्त तो निकलता है, और हाई हैंगर को कर देंगे हम 15 पे। ठीक है दोस्तों, और ये 40 ही रहने देंगे इसको। ठीक है, तो हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप सुन सकते हैं। उसके बाद मिक्सिंग करने के इतना करने के बाद फिर गाने पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ आपको यहाँ इस बार पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ मास्टर दिख रहा है ना, मास्टर इस पे क्लिक कीजिए और क्रिएट फेस चैनल पे क्लिक कर लीजिए। आपका एक नया चैनल खुल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा आप नीचे कर लीजिए कि आपको समझने में आसानी रहे सेटअप करने में, ये ऊपर रखे या नीचे रखे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम इसको आप पूरा फुल कर लेंगे। ठीक है, हम इसको पूरा फुल कर लेंगे, जहाँ तक सॉन्ग है वहाँ तक फुल कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेटअप और यहाँ लास्ट में देखेंगे कि हमारा सॉन्ग कहाँ तक था। ये 187। ठीक है, तो हम इसमें एडिट में जाएंगे और एडिट में जाने के बाद यहाँ एक मार्क ले लेंगे। जैसे ही यहाँ आप क्लिक करेंगे सौ के आसपास एक लाइनर बन जाएगा। ठीक है, लाइनर बनने के बाद आप इसको जूम आउट कर लीजिए और फिर यहाँ एक मार्क कर लीजिए, फिर जूम आउट कर लीजिए।
ठीक है, फिर यहाँ एक क्लिक कर लीजिए, फिर जूम आउट कर लीजिए, फिर यहाँ क्लिक कर लीजिए, फिर जूम जूम कर लीजिए, सॉरी ये चला गया 257 पे चला गया, इसको हटा लेते हैं, 187 था, ठीक है। नवासी 80 87, ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा 87 सेटअप, ठीक है। हम इसको यहाँ से इसको हटा लेंगे, इसको हटा लेंगे, ठीक है, और पूरा लास्ट में आएंगे। लास्ट में हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इस पर, तो ये देखिए आपको छोटा सा लाइन बार दिख रहा है, ठीक है, एक बाल का जैसा। तो आप जैसे ही इसको ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे तो ये पूरा सेंटर में चला जाएगा आपका केस बार जो है। जब सेंटर में आ जाएगा तो आपका, आप समझ जाइएगा कि आपका यहाँ से लेकर के 87 तक पूरा परफेक्टली एक ही बेस पे सेट हो चुका है, ठीक है, ये इतना पर सेट हो चुका है, ठीक है, ये पूरा 87 तक सेट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद ये आपका सॉन्ग का जो भी है रिमूव करने के बाद आपका वोकल जो भी है नहीं दबेगा। अब यहाँ से सुन लीजिए, इतना करने के बाद दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमारा बैकग्राउंड जो साउंड है वो बूस्ट होगा, थोड़ा सा बूस्ट होगा, तो आप और दो चार प्लगइन ऐड कर लीजिए, ठीक है, ग्राफिक जो है ऐड कर लीजिए। इतना करने के बाद आप फिर से गाने पर क्लिक कीजिए और ये जो है जो लास्ट में जो आप ऐड करेंगे ये कुछ इस तरह से ऐड होगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप ये है कि अगर आपका सॉन्ग का जो वॉल्यूम है वो डाउन हो जा रहा है, ये तो मतलब कि क्वालिटी में है, तो ये जितना पर सेट हो चुका है उतना परफेक्टली है, ठीक है। तो आप ये जो इफेक्ट ऐड किए थे, ये वाला जो इफेक्ट ऐड किए थे हमने ऐड किया था या आप किए थे, इस पर एक बार क्लिक करना है, ठीक है, और सीधा मिक्सर में जाना है, मिक्सर में ऐड करना है आपको ये वाला, ठीक है, लेबर, ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे और यहाँ आपको डिफ़ॉल्ट दिखेगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको परसेंटली खुल जाएगा, तो ये प्लस वाला है जो कि आपको साउंड बूस्ट करेगा ये, ठीक है, और 3 जो है डिबब माइनस में दिया है, तो आप 6 डिबब बूस्ट कर सकते हैं, 3 डिबब बूस्ट कर सकते हैं, और ये हार्ड लेफ्ट हार्ड राइट, मतलब आप जिधर हार्ड बजाना चाहते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर आप हेडफोन में राइट में अपना सॉन्ग को हार्ड बजाना चाहते हैं या लेफ्ट में हार्ड बजाना चाहते हैं, तो आप यहां से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका राइट में हार्ड बजेगा, ठीक है, यहां सेलेक्ट करते हैं हार्ड लेफ्ट, तो लेफ्ट में हार्ड बजेगा, एक मैं नॉर्मली बजता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर आजकल जितने भी मोबाइल्स आ रहे हैं, तो आप गौर किए होंगे हेडफोन जब आप म्यूजिक प्लेयर से सुनते हैं तो एक कान में स्लो बजता है, एक कान में ज़्यादा बजता है, तो यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम थोड़ा इधर बूस्ट करके आपको बताते हैं सॉन्ग को, ठीक है। आप यहाँ गौर कीजिएगा, हम थोड़ा इसको ऑफ करते हैं, ठीक है, अब यहाँ से हम प्ले करेंगे और आप गौर कीजिएगा, जितना आप अगर ज़्यादा बूस्ट करेंगे तो मज़ा नहीं देगा, आप 3 डीबा भी बूस्ट कीजिए,
थ्री डिबा बूस्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ फट रही है तो यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। 2.5 डिबा हमने 5 डिबा थोड़ा 5 डिबा 2.5 डिबा पर कर दिए हमने। अब देखते हैं और कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसको पूरा प्लस डिबा पॉइंट, ठीक है। ठीक है, इतना करने के बाद अगर लो क्वालिटी का सॉन्ग है तो आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, फिल्टर्स। आप सुनते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप बैंड सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप मैनेजिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने, मैं तो अभी एग्जांपल के तौर पे आपको सारा एस्टीमेट मतलब परफेक्टली बता रहा हूँ कि कितना कैसे कैसे क्या करना है। बाकी आप मान लीजिए कि हमारा सॉन्ग तो दूसरा है, आप दूसरा सॉन्ग चढ़ाएंगे तो उसमें कुछ आपको ये ज़्यादा बूस्ट करना पड़े, इसको ज़्यादा बूस्ट करना पड़े, तो आप सॉन्ग को हिसाब से कि मतलब कि आपका सॉन्ग फटे नहीं, फरफराए नहीं, उस हिसाब से आप मैनेज करेंगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ एग्जांपल का तौर पे आप सेट हम सेट कर रहे हैं, तो यहाँ हम सेट कहाँ करेंगे इसको बिना मिक्सिंग पे किए करेंगे। तो यहाँ हम सेटिंग करें तो यहाँ से मतलब कि आपका आवाज़ जो है परफेक्टली, आपका गाने का जो वोकल्स है वो फट नहीं रहा है, परफेक्टली तरह से सेट हो गया है। अब यहाँ हम सुन सकते हैं, अगर और भी ज़्यादा खड़खड़ा रहा है तो आप लेवल जो लगाए हैं इसको आप 1 पर सेट कर लीजिए और उसके बाद तो यहाँ से आपको सब कुछ मैनेज वहीं से करना है, ठीक है। बस ये आपका यहाँ जो इफेक्ट लगाया है आपने और यहाँ सॉन्ग पे थोड़ा मास्टरिंग कर देना है आपको, ठीक है, जो कि आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। मिक्सिंग करने से पहले ये सारे चीज़ को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी आप प्लगिंग ऑफ करके, आप ऐसे ऑफ करके बिंदास आप मिक्सिंग कर लीजिए और उसके बाद सारे प्लगिंग को स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अपने लो क्वालिटी सॉन्ग को कैसे मिक्सिंग किया जाता है और जैसे कि किसी भी सॉन्ग का वॉल्यूम जो डाउन हो जाता है उसको कैसे बूस्ट किया जाता है। ये सारे चीज़ आप लोग को मेरे हिसाब से आप लोग को नॉलेज मिल चुका होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों। कमेंट में जैसे ही आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं और भी बेहतर बेहतर एप्पल स्टूडियो के बारे में जानकारी मैं दे सकता हूँ आप लोग को, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो मैं तो दोस्तों मैं जाने से पहले मैं एक बात आप लोग से कह दूं कि दोस्तों आप लोग एप्पल स्टूडियो चला रहे हो तो वर्जन के पीछे मत भागिए, ठीक है। ऐसा ही हुआ कि किसी ने कहा है कि ये देखो मतलब कि
कहते हैं ना कि एक कहावत के तौर पे कि ये देखो तुम्हारा कोई सामान लेके जा रहा है, मतलब कि वहाँ से कोई है नहीं, या तो कह देता है कि यहाँ से जाओ वहाँ तुम्हें बहुत बेहतर सामान मिलेगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता है, कुछ अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को जितने भी 9-1 के बाद जितने वर्जन पर आप लोग टूट रहे हैं, जैसे उसके पीछे भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 9.94 जो है, 9.41 जो है, उसके उसमें कुछ नहीं है। आप बिंदास आँख मूंद करके 9.1 चलाइए। मैं तो यही सिचुएशन दूंगा कि 9.1 से बेस्ट अभी कोई भी एप्पल स्टूडियो ना उसके नीचे ना उसके ऊपर। ऊपर कब आएगा मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये जब 4.1 के बाद जब लास्ट में आएगा, जब ये 10 होगा ना, 10, ये पूरा 10 का जो आंकड़ा आपको कंप्लीट जब दिखेगा ना, तब जाके आपको बेहतर फीचर देखने को मिलेंगे और बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये अभी तो सीरियल में चल रहा है, जैसे 1, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जब तक जब 10 आएगा, 10 के बाद जब 11 आएगा ना, 11, 11, तो ये मतलब ये पीसी का बात कर रहा हूँ, मोबाइल का बात कर रहा हूँ, जैसे कि ठीक है, तभी जाके आपको कुछ चेंजिंग, बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, एप्पल स्टूडियो मोबाइल में जैसे कि उसके 9.1 के नीचे आप देख लीजिए, कोई भी खास चेंजिंग नहीं था, बस थोड़ा 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 क्वालिटी बढ़ा था। लेकिन 9.1 में कितना चेंजिंग डाला था, इसमें काफ़ी ज़्यादा बेस लाइन भी दिया है, इसमें मास्टरिंग भी बहुत अच्छा हो रहा है, गाना भी बहुत सुपर क्वालिटी में बनता है इसमें। ठीक है, तो 9.1 जो है वो बेहतर है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब तो आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।